देश का ऐसा संत जिसे योद्धा संत कहा गया। देश का ऐसा संत जिसने मठों में ना बैठकर मलिन बस्तियों में काम करना बेहतर समझा। देश का ऐसा संत जिसने खुद मोक्ष की कामना नहीं की बल्कि मां भारती की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया। देश का ऐसा संत जो आज भी नव युवकों का आदर्श है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरान निबोधत का उद्घोष करने वाला ये संत है स्वामी विवेकानंद। आधुनिक समय में अगर किसी संत ने भारत के जनजीवन विशेषकर युवा वर्ग पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है तो वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। पिता विश्वनाथ दत्त हाई कोर्ट के वकील और मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और वो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। माता के धार्मिक स्वभाव के कारण उनमें ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की अभिलाषा दिखाई देने लगी। क्या ईश्वर को किसी ने देखा है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बालक नरेंद्र काली माँ के अनन्य भक्त रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। बालक नरेंद्र को न केवल अपने सवालों के जवाब मिले बल्कि नरेंद्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक कुशल पथ प्रदर्शक भी मिला। पिता की असमय मृत्यु के बाद घर के हालात से जूझते हुए बालक नरेंद्र ने अपने गुरु के प्रति भी समर्पण दिखाया और ये समर्पण भाव ऐसा कि गुरु की प्रत्येक वस्तु के साथ गुरु जितना ही समर्पण। इसका प्रमाण तब मिला जब गुरु की थूकदानी उठाकर उन्होंने उसे अपने गले के नीचे उतार लिया। बचपन का नरेंद्र अब बड़े मंच की तैयारी में था। 21 साल की उम्र में स्नातक की उपाधि ले चुके थे नरेंद्र। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों में गहन रुचि ने उनको प्राचीन भारत के उस स्वरूप तक ले गई जहां भारत की आत्मा से उनका साक्षात्कार हुआ। 25 साल की अवस्था में उन्होंने भगवा वस्त्र धारण करके पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत के जनजीवन को नजदीक से जाना और समझा। अंत में भारत के अंतिम छोर यानी कन्याकुमारी पहुंचे। मन विचलित भी था और परेशान भी। 25, 26 और 27 दिसंबर 1892 को 3 दिन तक स्वामी जी अखंड ध्यान में रहे। मां कन्याकुमारी की दैवीय प्रेरणा के फलस्वरूप समुद्र के बीच में स्थित शिला पर उन्होंने अखंड भारत के निर्माण का संकल्प लिया। 11 सितंबर 1893 को जब विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने अपना पहला व्याख्यान अमेरिका के शिकागो शहर में दिया तब मानो पूरी दुनिया स्वामी जी के आंखों से भारत के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन कर रही थी। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us.
पूरी दुनिया उस संस्कृति से परिचित हो रही थी जो दुनिया को अपना परिवार मानती है। And earth and air and water are placed around you. इस व्याख्यान के बाद पूरे विश्व के पटल पर स्वामी विवेकानंद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अग्रदूत के रूप में सामने आए। यूरोप के कई देशों में व्याख्यान, न जाने कितने विदेशी बुद्धिजीवियों के साथ वार्तालाप और अनेक मंचों से भारत के वैदिक दर्शन का प्रचार प्रसार, इन तमाम गतिविधियों से स्वामी विवेकानंद ने भारत को दुनिया के सामने इस रूप में प्रस्तुत किया कि भारत याचक नहीं है, भारत दाता है उस शांति का जिसे दुनिया खोज रही है। नर में नारायण का वास देखने वाली संस्कृति का नाम है भारत। पूरे विश्व को परिवार मानने वाली संस्कृति का नाम है भारत। सह अस्तित्व और सर्वे भवन्तु सुखिना में विश्वास करने वाली संस्कृति का नाम है भारत। भारत के इस भाव को जन जन तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि पूरे विश्व में पहुंच चुकी थी। समय का कालखंड अब इस आध्यात्मिक अग्रदूत रूपी सूरज को अपने अस्ताचल की ओर ले जाने की नियति तय कर चुका था। तारीख 4 जुलाई 1902, उनके जीवन का अंतिम दिन। अपने इस अंतिम दिन पर उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक विवेकानंद और चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने क्या किया। अंतिम दिन सब कुछ दिनचर्या के अनुरूप ही हो रहा था। प्रातः उठना, प्रातः स्मरण करना और फिर 2 से 3 घंटे का ध्यान। लेकिन ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्म रंध्र को भेदते हुए स्वामी जी ने महासमाधि ले ली। जब भी अखंड भारत के स्वरूप और आध्यात्म की चर्चा होगी, स्वामी विवेकानंद का नाम प्रथम होगा।